परदेसी आ परदेसी हो पंजाबियां दे जज्बातां दी आओ अज गल करिए आपां लम्मियां वाटां लम्मियां वाटां लम्मियां वाटां दे इस हिस्से दे विच तुहाडा सारिआं दा हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत एक गणतंत्र मुल्क है, एक लोकतंत्र मुल्क है। इत्थे हर इंसान नूं आम आदमी नूं वोट पाउण दा अधिकार है अते लोक अपने लिए एक नेता चुनदे ने। खैर, वैसे तो राजनीति एक बहुत छोटा शब्द है, पर जो इस निभाउण दी वारी आ जाती है तो इहदा खेत्र बड़ा विशाल हो जाता है। कुछ ही चुनिंदा ऐसे नेता हुंदे ने जो लोगों की कसौटी के उत्ते खरा उतरते हैं। तो अज मैं थोड़ी मुलाकात एक ऐसे नेता दे नाल करवाउण जा रहा जिन्हां दे बारे अक्सर लोग कहिंदे ने कि उन्हां दी कहनी अते करनी इक्को ही है। जी हाँ दोस्तों, मैं अज तुहानूं मिलवाउण जा रहा हाँ पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। हाँ, एक बार तुसी पै जाओ उन्हां दी मदद में फिर ऑटोमैटिकली हिस्सा ही बन जाएंगे पॉलिटिक्स का। जी बिल्कुल। तो बड़े साल हो गए हुंदे तो 67 तो लेके आज तक। वाह जी, बहुत लंबा समा। कैप्टन साहब, थोड़े वाले अक्सर किया जाता है कि कैप्टन साहब का रवैया इस तरह का है कि जो वो कहते हैं करके विखाते हैं। कभी कभी इस थोड़ी इमेज के करके थोड़ू अपने दे विरोध का भी सामना करना पैंदा है। कोई ऐसी गल नहीं, मैं समझदा कि अगर अगर तुसी सियासत विच हो और कोई कोई भी इशू तुसी लो, एक बार तुसी मन बना लो कि कोई गल करनी है फिर थोड़ा करनी पैंदी है, और जो अगर वैरा किया हो निभानी पैंदी है। ये तो दिस इज़ पार्ट ऑफ सिस्टम। अज जो पॉलिटिशियन यूज कर रहे हैं वो कहते हैं रहते हैं गल और करता कोई है नहीं, सो लोग जरा थोड़ी बहुत ही औखा महसूस कर लग गए। एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग, चंगी चीज़ है जी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। कैप्टन साहब, पिछले कुछ समय तो जिम्मे खास करके हिंदुस्तान की गल करा तो पंजाब की गल करा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो पिछले कुछ सालों तो महंगाई ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, वो पिछले थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू तो की कारण हो सकता? देखो, देर इज टोटल मिसमैनेजमेंट जी। जो हम तुम मैं दसो कि वाई इज द एक पाँच साल पावर टैरिफ चार गुणा चढ़िया क्यों? मेरे पाँच साल असं एक दिन एक बार भी नहीं चढ़ाया। इट्स क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट। तुम अगर ट्रांसमिशन लॉसिज रोको, अगर तुम डिस्ट्रीब्यूशन लॉसिज कंट्रोल करो तो तुम अपना कॉस्ट कंट्रोल कर सकते। इतने तो सारे अकाली चोरी कर रहे हैं बिजली की, कुंडियां ला रहे हैं, यह जी चीज़ा करते हैं। सो आई एम जस्ट एक मिसाल मैं तुम्हें दे रहा इस किस्म का काम इतने उसे चल रहे हैं। महंगाई जनरली अगर डीजल वगैरह की चली इंटरनेशनल फिनोमेना, इसे तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जी कंट्रोल च ने चीज़ा सूबे के कंट्रोल च, इतने इन्हों कोई टाइम नहीं इस काम वास्ते। मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट वास्ते कोई टाइम नहीं, ये तो मनी मेकिंग एक एक्सरसाइज कर रही है अभी तक। और तुम देख लो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू अमेरिका इन्वेस्ट करी जा रहे हैं अपने पर्सन एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल ऑफ पंजाब। जी पे लोगों का ही नुकसान हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे इस तो अलावा कैप्टन साहब, जिम्मे असी फॉरन के जोड़े लोग पंजाबी जोड़े ने अपने मुल्क तो दूर रह रहे हैं, वह पंजाब की सियासत के नाल हिंदुस्तान की सियासत के नाल बड़ा डीपली जुड़े होते हैं। जो इतने सियासत के छोटा मोटा फेरबदल हों तो उठे उस गल का बड़ा वड्डा प्रभाव पैंदा है। तो तुसी इस चीज़ में इतने किवें सोचते हो कि तुसी NRIs जिहड़े ने जो विदेशों लोग वसदे ने पंजाबी ने, तुसी उन्हां नूं किस पॉइंट ऑफ व्यू सोचते? देखो, असी तो सानू बड़ा फख्र है साडे लोकां ते जिन्होंने जाके बाकी वक्ख वक्ख मुल्कां दे विच अपना हुण बड़ा गेम कीता, नॉट ओनली इन द पोलीटिकल फील्ड, बिजनेस फील्ड, हर फील्ड च। जब असी सानू खबर आउंदियां ने सानू बड़ी खुशी है जी। खैर, बहुत फर्क पैदा क्योंकि उत्थे कैनेडा अमेरिका वर्गे मुल्कों के बड़ी छोटी जी गल काफ़ी वड्डा सारा एक ह्यूज तामझाम बन जाता है कि जदों इत्थों राजनीति नाल रिलेटेड कोई भी छोटी जी गुड न्यूज़ आउंदी आ, कोई भी अनाउंसमेंट किसी भी पार्टी वालों जो होंगी है NRIs के फेवर के, उस चीज़ को बड़ा वो वधिया ढंग नाल लैंदे ने, बड़ा वधिया ढंग नाल देखते हैं। तो असी भी यह उम्मीद रखांगे, उम्मीद करांगे कि आने वाले समय के तुहाडे वालों ते तुहाडी पार्टी वालों NRIs के लिए भी किसी किस्म के असी तो हर वेले NRI जी NRI मीट साड़ियाँ होंदिया ने जो इंटरनेशनल लैवल साडे डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर करते रहते हैं और उरे भी इन्होंने की है। पर तुसीं मैनूं दसो, इनवैसटमेंट लिआउण वास्ते यू हैव टू क्रिएट अ क्लाइमेट। जी
लॉ एंड ऑर्डर क्राइम में ठीक रहे। थोड़ी यू हैव टू सी थोड़ा ये देखना पड़ेगा थोड़ा कि इतने सारिया जी इन्वेस्टमेंट्स होंगे कि खराब तो नहीं हो जाएगियाँ। पावर थोड़ा देनी पेगी हालात जो इंडस्ट्री है वो करने वास्ते। हम अब NRI की इन्होंने मीटिंग की है, एक कमिटमेंट नहीं हुई पंजाब में, लोग आके देख के सुन गए बिकॉज इन्हों पर भरोसा नहीं। अनलैस तुम कॉन्फिडेंस दोगे किसी इन्वेस्टर को आऊगा कौन उन्हें। एंड दैट इज़ वाई NRI हूँ बड़ी मेहनत ना अपना पैसा बनाते हैं। अगर इन्वेस्ट करेंगे तो पहले सोच समझ के करेंगे एंड वो दे विल। अगर कोई पंजाबी है वो तो नैचुरली चाहूँगा मैं पंजाब आवा, पहली प्रायोरिटी पंजाब है जी, प्रोवाइडेड हालात ठीक है जी, नहीं फिर कितने होर हिंदुस्तान चल जाए। बिल्कुल एटमोसफेयर से बहुत कुछ इफेक्ट करता है। सो कैप्टन साहब तुम साढ़े विदेशों के बसते हुए पंजाबियों के लिए अपने वालों कोई सुनेहा देना चाहते? देखो मैं तो हर वेले उत्तर मैं गया बड़ी घट, मैं एक बार कैनेडा गया और बाकी UK और वगैरह इतने होर एक दो जगह जितने मिले ने इन्हों। मैं खुशी होंगी है मेहनत बड़ी करते हैं साढ़े लोग और मेहनत आई फल है जो जिस तरीके सारा गेम करते हैं। तो मैं तो इन्ना कह सकता वाहेगुरू थोड़े ते बख्शिश है, तुसी अपनी फुलो फलो सब कुछ थोड़ा चंगा रहे और उत्थे फिर याद रखो कि साडा भी पंजाब है थोड़ा ही घर है। एंड कुछ जिहड़ा आके देखो साड़ी सब तो जिहड़ी अनफॉर्चुनेट गल है जिहड़ी मैनू हर वेले मेरे मन ते इह गल रहिंदी है कि साड़ी अनइंप्लॉयमेंट बहुत ग्रो कर रही है जी। वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ तकरीबन 2,60,00,000 और 47,00,000 साढ़े बच्चे बच्चियाँ विदाउट जॉब्स एंड दैट इज़ अ ट्रमेंडस थिंग। देर इज़ नो सोशल सिक्योरिटी, देर इज़ नथिंग। इस करके इन्वेस्टमेंट इज असेंशियल फॉर पंजाब एंड इन्वेस्टमेंट वास्ते उन्होंने इतने गवर्नमेंट को बनानी पेगी एटमोसफेयर। लेकिन जो साढ़े बंदे कोई भी NRI ने अगर तुम सोचोगे और तुम समझ हो कि पंजाब मेरा काम चल सकता है आओ इन्होंने बच्चा बच्चों को नौकरी दे। दैट्स व्हाट आई वांट। बिल्कुल तो सानू पूरी उम्मीद है कि तुम अपने वालों बनता हुआ योगदान जोड़ा है पंजाब के लिए पंजाबियों के लिए जरूर पाते हैं। जरूर थैंक यू वेरी मच। नमियां वाटा।